क्वेश्चन नंबर 23, अ कंडक्टर शोन इन द फिगर कैरिंग अ कॉन्स्टेंट करेंट आई इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इफ एफ इज द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, देन करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो फोर्स के बारे में बताना है हमें अलग अलग केसेज में. तो देखो, एक बात तो पक्की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उस वायर के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, एक्चुअली फोर्स हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी और इनटू करंट आई. तो अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है आई इंटू एल ए बी क्रॉस बी में. और एल ए बी कौन सा वेक्टर होता है? एल ए बी सिंपली वेक्टर होता है वेक्टर जॉइनिंग बोथ एंड्स ऑफ द वायर, वेक्टर जॉइनिंग बोथ एंड्स ऑफ द वायर. तो अब एक बात ये समझो कि वेक्टर अगर दोनों एंड्स को ज्वाइन करेंगे, तो अगर हम सिंपली इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो वेक्टर बनेगा, तो ये वेक्टर इन दोनों एंगल पे कोई डिपेंडेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेक्टर तो सीधा सीधा आएगा ना. तो अगर देखा जाए तो यहाँ से जो लेंथ वेक्टर होगा, तो लेंथ वेक्टर को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं. अब इसमें ध्यान से देखो तो 2l है और 2r है, तो लेंथ वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स l प्लस r, और इसका डायरेक्शन है i कैप. ठीक है, अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जब भी i कैप के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब भी आई कैप के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स की वैल्यू एल प्लस आर के प्रोपोर्शनल होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आई के अलोंग हो जाएगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन ढूंढें तो देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन देन फोर्स प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर, तो ये ऑप्शन हमारा सही आएगा क्योंकि एल वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे. फिर बी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड अलोंग आई कैप तो फोर्स जीरो, ये भी सही होगा. फिर मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस तो फोर प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर, ये भी सही होगा. डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो आंसर ए बी एंड डी बन जाएंगे.